पहला बार भोजपुरी के हर कलाकार हारता है, ये इतिहास है, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए था हमको भी। मान लीजिए देख रहा दिनेश लाल यादव पहला बार हारे, रवि किशन लड़े थे पहला बार हारे, मनोज तिवारी पहला बार हारे, तो गुंजन सिंह और पवन सिंह कैसे जीत जाते, तो फिर हम लड़ेंगे 29 में, बैठेंगे तो नहीं। और अगली पार्टी भी रहेगा, चाहे जवान पार्टी रहे, बात जानते हैं ना कि देवघर में दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, कि दलित है मंदिर में नहीं जाएगा, सुने थे ये बात, बोला हल्ला कर, हाँ बोला कि चली जी भाई सैया हो अनबादा बजरिया आ हमरा किन दे। उपस्थित अभिभावक गण, माता बहन, युवा भाई लोग, आप छोटा छोटा बच्चा सबके हम गुंजन सिंह पैर चुके प्रणाम कराइयो, एगो ताली बजाओ। और समाज से आए हैं पिंटू भैया, बहुत सारे काम नाम नहीं मतलब बोल पा रहे, बहुत सारे लोग, बहुत समय लग जाएगा, सब हमारे गार्जियन है मंच पे, जितने लोग उपस्थित हैं, आगे बैठे हमारे चाचा लोग, रुक्की गांव के तमाम जनता जनार्दन, माई बहन, जहां तक हमारा आवाज पहुंचा था सबके उके प्रणाम गुंजनवा के। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं श्री कृष्ण बाबू के अनावरण दिवस पे, जो कि सुमन जी का एक अच्छा प्रयास है कि हर पंचायत में एक मूर्ति हो श्री कृष्ण बाबू का, हर एक गांव में मूर्ति हो, हम तो यही चाहते हैं कि हर एक गांव में इनका एक मूर्ति हो, क्योंकि एक नेता थे जो सबको लेकर के चले थे, सब समाज को जोड़ करके चले थे श्री कृष्ण बाबू, और कभी भी अपना कुर्सी का माया मोह में नहीं रहे थे कि हमारा कुर्सी ये चाहिए, कुर्सी के साथ साथ जो विकास करे और सबको लेकर के चले, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो अकेले नेता श्री कृष्ण बाबू थे। आप लोग जानते थे ना, ये बात जानते हैं ना कि देवघर में दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, कि दलित है मंदिर में नहीं जाएगा, सुने थे ये बात, बोला हल्ला कर, हाँ बोला, हाँ तो ये कौन करवाए, सबको हजारों के संख्या में लेकर के श्री कृष्ण बाबू देवघर के मंदिर में दलित को लेकर के गए, तो आज लग रहा है ना हर कोई का एंट्री हो गया, हो रहा है भगवान के पास क्या जात पात, सब कोई को एक साथ जाना, वहां तो हर गरीब अमीर कोई भी आवे ईश्वर के लिए सब एक समान है, तो ये काम किए इनको, जैसे सब लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला भारत रत्न का पुरस्कार, लेकिन श्री कृष्ण बाबू को नहीं मिला, ये बहुत दुखद है, इनको मिलना चाहिए था, ये इस पद के हकदार हैं, जो कि इनको मिला नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे कि इनको भी जल्द से जल्द भारत रत्न का पुरस्कार मिले जैसे और लोगों को मिला है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण बाबू के अनावरण दिवस पे मैं आया हूँ रुक्की गांव में, तो हम पहले भी लिए आए ना, ये गांव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ए चाची बड़ी अच्छा लगा हुई गाँव, जब भी आते हैं बड़ी प्यार मिलता है यहाँ से, क्योंकि इस गांव का नाम रुखी जरूर है लेकिन खरगोश से भी बड़ा है। ऐसी चढ़ जाता है रुखी, अगर देखा कहाँ कहाँ चढ़ जा रहे तो ये रुकता नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज आए हैं तो आप लोग को क्या काला इन गानों सुना दें, एगो गाना तो हम श्री कृष्ण बाबू पर बनाएंगे सुमन जी बहुत जल्द, और रविरंजन भैया बैठे हैं, अशोक भैया बैठे हैं, और निशा जी, सब लोग, माई बहन, इन्हें छत पर लड़का लोग, बुतरू बच्चा, इन्हें साउंड वाला भाई हमार, उन्हें कुछ युवा खड़ा है और दीवाल पे अड़ा है जो हटेगा नहीं। हाँ, एक लाइन गाना सिर्फ हम गाएंगे, क्योंकि ये जो माइक है इस पे सिर्फ भाषण ही होता है, आप लोग देखते होंगे हमेशा कि माइक पर मोदी जी भाषण देते हैं, सब लोग भाषण देते हैं इस पे, तो बस दो लाइन गाना गा देते हैं। सावन का महीना आ रहा है, आ रहा है ना, एक बार बोले बाबा भोलेनाथ की, एक गाना हम गाए थे अभी, तो बहुत सारा गाना सावन का मेरा आ रहा है बोलबम का, आप लोग सुनिएगा, आज भी एक गाना रिलीज हुआ है और भी रिलीज होगा, एक गाना बहुत फेमस था पहले का, अरे कि चली जी भाई सैया हो अनबादा बजरिया
हमारा किन दे हो कि चली जी भाई सैया हो बजरी। कौन सा बगल में बाजार है? कादिरगंज रोड। कि चली जी भाई सैया हो अजी रोहा बजरिया हमारा किन दे हो हमारा किन दे हो घुंघुर लागल कावरिया किन दे हो घुंघुर लागल कावरिया किन दे हो। गाना तो गाते रहेंगे, हमारा तो पहला काम यही ना है हो गाना। आप भले नेतागिरी में आए हैं और आप सबका जो भी आशीर्वाद मिला नवादा लोकसभा से मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बार भोजपुरी के हर कलाकार हारता है, ये इतिहास है, इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए था हमको भी। मान लीजिए देख ला दिनेश लाल यादव पहला बार हारे, रवि किशन लड़े थे पहला बार हारे, मनोज तिवारी पहला बार हारे, तो गुंजन सिंह और पवन सिंह कैसे जीत जाते? हाँ यो अलग नहीं हो जाता, इसलिए एक बार हारना भी जरूरी है, बहुत कुछ सीखने को मिला और सब लोग को एक बार मन भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दुर्भाग्य जो नवादा का है वही रहेगा। इसलिए एक बार तो मन बनाना ही पड़ेगा सबको। और कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी आ गया था किसी का, एक प्रत्याशी का, जिसके कारण से भी वोट दो दिन में कन्वर्ट हो गया, आप लोग जानते ही हैं कुछ लोग ही बात को, तो और कोई बात नहीं था, नहीं था कोई, ना टीका है ना टीकेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं देश का विकास हो और हमारा क्षेत्र का भी विकास हो, और हमारे परिवार हैं, आप लोग गुंजनवा को जब बुलाइए हाजिर है, नहीं तो 5 लाख रुपया लेके आते थे, आजकल तो फ्रीए में ना आए हैं जी है? इहो तो एकरो तो रखे चाहिए शरीयत कि गुंजन सिंह घर का बेटा है, कभी बुलाते हैं आ जाता है, नहीं तो 4-5 लाख लेके आते थे, हमारा कहा जरूरत रहे, कहा मूर्ति क्या हो रहा है, अति अनावरण और क्या हो रहा है। लेकिन हम सोचे कि नहीं ले करके चलना है सबको, पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन अपने समाज को अपने लोगों को देखा, सब एकदम कैसे खड़े हैं, महिला लोग सब देखिए तो कितना प्यार करते हैं हमसे, तो इन सबका प्यार कैसे मिलेगा, इसलिए है ना। तो फिर हम लड़ेंगे 29 में, बैठेंगे तो नहीं, और अगली पार्टी भी रहेगा चाहे जवान पार्टी रहे। हाँ, और आप सबका आशीर्वाद बनल रहे, और जो भी वोट मिला मुझे इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहला बार में। अब हम क्या गाना है ना गावत रहे, पहले हो कोई नेता है बड़का, हम तो बच्चा है और बच्चा ही बन के हम रहना भी चाहते हैं, सबके बीच में गोद में खेलते रहना चाहते हैं कि बेटवा गुंजनवा आया है और कुछ नहीं सोचना है। सबको प्रणाम, बोलिए भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।